अपने भूतकाल में जाकर के आज के इस वर्तमान समय को अनुकूल बनाने का ये एक अंतिम मौका है कुंभ राशि के जीवन में। ये एक ऐसा समय होगा जो ऐतिहासिक समय होगा। आप चाहें तो इस समय पर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने पिछले समय पर खो दिया है या छोड़ दिया है। वास्तव में ये समय एक टाइम ट्रेवल के अनुसार प्रदर्शित होगा। एक ऐसी यात्रा होगी जिस यात्रा के माध्यम से आप अपने पास्ट लाइफ में पहुंचने वाले हैं, जहां पर जा करके आप वहां पुनः फिर से अपने कार्य की संतुष्टि को सिद्ध करते हुए आज वर्तमान को सफल बना सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो यकीन मानिए सफलता का श्रेष्ठ मुकाम आपके कदम चूमने को तैयार है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इस समय पर क्या होने वाला है। शनि देव महाराज 29 जून 2024 से लेकर के 15 जून तक वक्रत्व स्थिति पर रहेंगे। इनका वक्री अवस्था पर आना और वो भी आपके अपने लग्न पर आना और साथ ही साथ 30 साल के बाद ये अंतिम बार आपके अपने लग्न पर ये वक्री स्थिति पर आ रहे हैं। इसके बाद फिर अगला इनका ट्रांजिट काफ़ी लंबे समय बाद 30 साल बाद होगा। जब से ये आए हुए हैं आपके अपने लगन पर 17 जनवरी 2024 से, तब से लेकर के अब तक ये एक बार और वक्री हो चुके हैं। जो समय था 2023 में, उसको भी आपको चेक कराएंगे। आप स्वयं चेक कीजिएगा कि क्या उस समय पर आपको पॉजिटिव इवेंट हुए थे और क्या आज हमको प्राप्त होंगे। चलिए ले चलते हैं उस डेट पर जिस डेट में ये पुनः फिर से 2023 में वक्री हुए थे। डेट होगा हमारा 17 जून 2023 से ये वक्री अवस्था में आए थे और 4 नवंबर 2023 तक थे। उस समय पर आपने देखा होगा कि कोई कार्य सिद्ध हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका कार्य सफल हो चुका है और कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका कार्य यदि सिद्ध नहीं हुआ है, तो ठीक वही मौका, वही अवसर आज हमको प्राप्त होने वाला है। अर्थात एक ऐसा समय होगा जब हम अपने पास्ट लाइफ में जा करके उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। हमारे हाथों में वो समय है। शनि को माना जाता है टाइम, काल कहा गया है शनि को, और इसी कारण से शनि का वक्री अवस्था में आना आपको टाइम ट्रेवल की यात्रा पर ले जाने वाला एक समय होगा। एक ऐसी अनोखी यात्रा पर आप निकल सकते हैं जहां सब कुछ आप पुनः फिर से उसे पुनरावृत्ति करके उसे सुधार कर आज अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। एक ऐसा समय होगा, 4 महीने 17 दिनों का समय। आपके अपने राशि पर ही, कुंभ राशि पर ही शनिदेव विद्यमान है। सारा संसार आज इसी बात को करता है कि कुंभ राशि पर शनि है, कुंभ राशि पर शनि है। लेकिन समझिए जरा, क्यों आखिर कुंभ राशि के जीवन में ही इतनी अशांतियां बनी हुई हैं? क्यों आखिर हम इतने लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? इसका कई कारण हो सकता है, लेकिन यदि मैं अपने अनुभवों के आधार पर देखूं, तो शनि का लगन पे आना, शनि का राशि पर आना हमें धैर्यता का प्रतीक माना जाना चाहिए। हम यदि धैर्य रखते हैं किसी कार्य में, तो हमको सफलता दिलाना शनि का एक कार्य होता है। सभी ग्रहों के पास कम अवधि की उनकी जो साइकिल होती है, उनकी जो गोचर की जो समय होती है, वो कम समय की होती है। लेकिन शनि देव अकेले एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका 2.5 साल का गोचर होता है। और ये तो भाई 29 जून 2025 को आपके अपने राशि को छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिलहाल 30 साल तक आने वाले नहीं हैं। तो अब ये जो समय बचा है, इसको हमको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसको यदि हमने मैनेज कर लिया, तो यकीन मानिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, आपके कैरियर के भाव पर कहां से कहां कैरियर पहुंचा सकता है, किन बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, इसको आप ज़रा विचार कीजिए। शनि कर्म के स्वामी हैं, हमारे अपने लगन पर, अपने राशि पर हैं। इनकी दसवीं दृष्टि हमारे कैरियर पर पड़ रही है और इस कारण से या नौकरी हो या फिर व्यापार हो, दोनों ही स्थिति में यहाँ पर एक विशेष उन्नति का अवसर देखने को मिलता है। माना जाता है कि शनि जब वक्री होते हैं तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। चेष्टा बल उसे कहेंगे जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपके अंदर तुरंत उस काम को करने के लिए और अधिक चेष्टा आ गई, मतलब आप उसमें ज़्यादा फोकस होकर के आप काम कर पाते हैं, ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके लगन पर हैं, स्वराशि के हैं, अर्थात पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
शनि को जब भी आपको अच्छा या बुरा प्रमाण देना होगा उसका एक समय होता है इसका वक्रत्व अवस्था में आना। ये जब वक्री होते हैं जो रिजल्ट इन्हें डिलीवर करना है उस रिजल्ट को ये मजबूती से प्रदान करते हैं, और इसीलिए कई एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना भी होगा कि शनि का वक्री स्थिति पर आना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है या फिर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमारा अनुभव यदि देखा जाए तो हमको ये लगता है कि शनि जब वक्री होंगे तो उनके अंदर बल बढ़ जाएगा, नेगेटिव प्रभाव उन्हें प्राप्त होगा जिनके ये राशि के अधिपति नहीं है या फिर जिनके अंदर कुछ जिनके योग कारक ग्रह नहीं है। लेकिन आपके लिए तो ये योग कारक ग्रह भी बनते हैं और इस कारण से इनका वक्रत्व अवस्था में आना बहुत बड़ी एक उपलब्धियों को आपको दिला सकता है। दूसरे तरफ जो टाइम ट्रेवल, जो आप पास्ट लाइफ की यात्रा करेंगे वो होगा आपके 12वें घर से जुड़ा हुआ। अब 12वां घर वो स्थान है जिस स्थान को कंप्लीट करके ही तो शनि ने एक घर आगे प्रवेश किया था, अब वो पुनः फिर से वापस जा रहे हैं अपने 12वें घर पर, अर्थात इनका फोकस फिर से वहाँ बन जाएगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं और ठीक मान लीजिए पीछे से कोई आपको आवाज़ लगाए तो आप क्या करेंगे, एक तरफ तो आप वीडियो देखते रहेंगे लेकिन दूसरे साइड आपका मन, आपका एक दृष्टि भी पीछे के साइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव भी रहेंगे तो आपके अपने राशि पर लेकिन 12वें घर पर भी इनका प्रभाव दिखने को मिलेगा, अर्थात इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो कुंभ राशि के लिए एक वरदान स्वरूप ये समय है। इस समय पर आपको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि 12वें घर को ये प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम मेडिटेशन से जुड़ जाएँ, हम कोई ध्यान आराधना की ओर जुड़ जाएँ, 12वां घर हमारा यूज़ हो गया। और जब किसी, देखिए एक घर पे अनेक सामग्रियां हैं तो किसी एक सामग्री को शनि देवता को आपको डिलीवर करना है इससे पहले कि वो हमको कोई खर्चा या बड़ा हानि ला करके दे दें, कोई चिकित्सालय का खर्चा ला के दे दें, क्योंकि 12वां घर हमारे चिकित्सालय का खर्चा भी होता है। उससे पहले हम स्वयं से एक सामग्री हम चूज कर लें, अपने से वो ले लें, तो यकीन मानिए आपको बाकी जो नेगेटिव प्रभाव है कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि इसी 4 महीने 17 दिन में एक श्रेष्ठ मिसाल कायम कर पाएंगे। उपाय के रूप में सबसे जो अच्छा इस समय पर होगा, हॉस्पिटल में जाकर के जो वहाँ पर रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको वस्त्र, कपड़ा, भोजन, जो कुछ भी आपको उनके लिए हेल्प करते बने वो करेंगे। 12वां घर हमारे चिकित्सालय का है, अर्थात हमने वहाँ पर काम किया है, शनि कर्म के देवता है, हमें वहाँ पर राहत मिलेगी और यही नहीं बल्कि एक बड़े लाभ का अवसर आपको दिला जाते हैं। मजिस्ट्रेट कहा गया है शनि को, न्यायाधीश कहा गया है और शायद कुंभ राशि के अपने राशि के स्वामी हैं, इसलिए आप न्याय से अलग नहीं होंगे। हमेशा देखेंगे एक नए डिसिप्लिन को लेकर के आप अपने काम को आगे बढ़ाने वाले, एक नियम कानून पर चलने वाले आप जातक जातिकाएं होते हैं। कारण क्या है कि शनिदेव आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और वही नियम कानून इस समय पर आपको फॉलो करने की भी आवश्यकता रहती है। जितना अधिक आप नियम पर चलते हैं उतना ज़्यादा शनिदेव आपको ग्रोथ प्रदान करते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव के पास होता है। एक मजिस्ट्रेट को देखिए, एक न्यायाधीश को देखिए, क्या वो किसी मित्र अथवा शत्रु के आधार पर किसी को डिसीजन सुनाते हैं? नहीं, वो देखते हैं कि भाई तथ्य क्या है, सबूत क्या है और उसके माध्यम से फिर वो कोई डिसीजन आपको सुना पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव इस समय पर पुनरावृत्ति कर रहे हैं 12वें घर से, मतलब कुछ कमी रह गई है यदि जीवन में, हो सकता है उनका डिसीजन आपके लिए कोई विरुद्ध आ गया होगा, हो सकता है कोई नेगेटिव प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस समय पर उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए, उसको सुधारने के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं, अर्थात हमारा कर्म इस समय पर वक्री हो रहा है और वहाँ पर सुधार करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थान है दान पुण्य करने का, कुछ दान करने का आपके मन में अभिलाषा है, कहीं पर भी हो, किसी को भी हो, किसी जरूरी नहीं किसी मंदिर में ही देना है, जहाँ पर भी किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर पाते हैं 12वां घर आपका प्रभावी होता है, अर्थात वहाँ पर आपको सफलताएँ मिलती हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आपके चैलेंजिंग सिचुएशन से आपको मुक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसका सीधा सा कारण ये है, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है। अब तीसरा भाव मेरे संघर्षों का है, मेरे हिम्मत का है,
एक बात तो विशेष प्रभावी हो गई कि कितना भी संघर्ष बना हुआ है लेकिन उसके बाद भी मेरे हिम्मत मेरे संग बने हुए हैं। यही तो है कुंभ राशि की एक सबसे बड़ी खूबसूरती कि शनि इस भाव को लेकर के बैठे, अर्थात हमारे अंदर पर्याप्त सहन शक्ति दे जाते हैं और इसी कारण से कुंभ राशि एक दिन विजेता के रूप में जरूर कायम होते हैं इस संसार में। तीसरा घर है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब जब शनि वक्री होंगे तो इनकी दृष्टि सामने के बजाय पर पीछे चली गई, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव यह मिलेगा कि तीसरे संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है इस समय पर सबसे कम आपको नजर आएंगी, या फिर उस संघर्षों को आप जीत पाते हैं, सफल हो पाते हैं। यही इसका सबसे सुंदर प्रभाव होगा कुंभ राशि के लिए। इसी बीच में एक बहुत सुंदर संयोग बनेगा, जो डेट आता है 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर का समय, ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसा समय होगा जिस दिन ठीक सूर्य, जो कि आपके सप्तमेश हैं, सूर्य ठीक सप्तम भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन उस समय पर एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देखेंगे शनि को, एक दृष्टि देंगे, और शनि देखेंगे सूर्य को, दोनों आपस में मिल करके एक सम सप्तक नाम का योग बना देंगे। यूं देखा जाए तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, दोनों की मित्रता बहुत अच्छी नहीं है। दोनों पिता पुत्र है रहने को, लेकिन दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। लेकिन सम सप्तक योग में आने के कारण सूर्य अपनी राशि पर रहेंगे, शनि अपनी राशि पर रहेंगे, दोनों के मध्य एक अनुबंध होगा कि भाई अब सम सप्तक योग के प्रभाव से इनको सातवें भाव का पूर्ण परिणाम दिया जाए, क्योंकि शनि उस भाव पर कित पर दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण से व्यापार हो या कर्म क्षेत्र हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से एक अच्छा समय होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि अशांतियां बनी हुई हैं तो यहाँ पर सम सप्तक योग के प्रभाव से आप देखिएगा उस समय और अधिक पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। शनि लगन पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो शनि वक्री होकर के उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, अर्थात स्वास्थ्य में यहाँ पर निरंतर आएगी। चेष्टा बल की वृद्धि का मतलब हमको भी वो चेष्टा रखना पड़ेगा भाई, कि भाई लगन पर हमारे शनि देव आए हैं, तो जो मुझे शारीरिक व्यायाम करना है, जो योग करना है, जो मुझे शरीर को मेहनत कराना है, वो मुझे कराने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव वक्री अवस्था में हमारे शरीर पर रहेंगे और सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी इस शनि को हम बेहद महत्वपूर्ण बना सकते हैं, जो कुंभ राशि के एक सबसे प्रभावी और सबसे विजेता दिलाने वाले ग्रह साबित होते हैं। इसी बीच में एक संयोग और बनेगा, जब शुक्र का गोचर भी सप्तम भाव पर हो जाएगा। देखिए, ये 4 महीने 17 दिनों में दो समय बहुत पॉजिटिव होगा। हमने पहला तो बताया 16 अगस्त से 16 सितंबर का, दूसरा होगा 31 जुलाई से ही वो समय प्रारंभ हो जाएगा। अब कारण क्या होगा, 31 जुलाई को शुक्र का गोचर ठीक सप्तम भाव पर रहेगा और शुक्र की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि शुक्र पर, यहाँ पर शुक्र शनि का एक सम सप्तक योग बन गया, अर्थात वक्रत्व स्थिति में अपने मित्र के साथ इसका संबंध बनेगा। शुक्र धन के कारक है और शनि देव कर्म के कारक हैं, अर्थात मेरे हाथों में ही वो कर्म आ गई और जिस कर्म को करके मैं अपने धन की वृद्धि करा सकता हूँ। एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी परेशानीदायक नहीं होगी, एक सहजता से हम किसी अपने आर्थिक आयाम को प्राप्त कर पाते हैं। शुक्र को देखा जाए तो ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं और दोनों ही आपके योग कारक हैं, और दो योग कारक ग्रहों की आपस में जब दृष्टि संबंध हो जाए एक नए योग का जन्म होता है, और वो मैं कहूँगा किस्मत की बढ़ोतरी, किस्मत भाव के स्वामी हैं। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल जाना, जो बच्चे शिक्षा एजुकेशन में है उनको एक नई कामयाबी का प्राप्त होना, पिताजी से जुड़े हुए कोई मामले यदि कोई परेशानी है उन परेशानियों का अंत होना, नवम भाव धर्म से जुड़े हुए कार्य आपके इस समय पर सिद्ध होंगे, कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप करने वाले हैं, यदि आप विदेश में रहने वाले हैं तो शनि का प्रभाव वक्री अवस्था में आकर के 12वें घर पर है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आप करते हैं या फिर करना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा शनि का वक्रत्व स्थिति पर आना। किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ, लेकिन आपके लिए जो मुझे जो दिखता है और जो शास्त्र के सम्मत जो भविष्यवाणी जो निकलती है उसके अनुसार भाई अपने ही राशि पर यह वक्रत्व स्थिति पर आ रहे हैं, इसलिए कुंभ राशि के लिए एक श्रेष्ठ वक्रत्व स्थिति प्राप्त होगी। यदि उस समय पर अब इसके बाद क्या होगा, पिछले 23 में ये वक्री अवस्था में आए थे, अब फिर से वक्री अवस्था में आ रहे हैं, इसके बाद 29 जून को तो ये चले भी जाएंगे,
29 जून में आपकी अपनी राशि को छोड़ करके चले भी जाएंगे, आपके धन भाव पर चले जाएंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति उस समय पर और अधिक प्रबल हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ कमी है, हम आज सुधार कर लेते हैं, अभी कुछ हमें और काम करना है ये सुधार कर लेते हैं। अर्थात ये समय है मेरे भूतकाल में जा करके अपने वर्तमान को अच्छा बनाने का, और यही एक सबसे अच्छा प्रभाव है इस शनि का कुंभ राशि के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और कुंभ राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।